हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं .NET 8। बेसिकली क्या है, जहाँ हमारा .NET 8 क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। और जब रिलीज हो चुका है तो इस सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक .NET 8 के एक एक चीज को इस वीडियो के अंदर, सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो अपने विजुअल स्टूडियो का आपको अपडेट करना होगा, जिससे क्या होगा जी, आपका .NET 8 आपके सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, हम अपने इस .NET को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। जैसे जी, अगर बात करें जी .NET 7 और 8 में डिफरेंस क्या है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की बात होती है पहले। तो .NET 7 के हिसाब से अगर देखा जाए तो .NET 8 का परफॉर्मेंस हाई है। बेसिकली ऑब्जर्वेबिलिटी एंड डायग्नोस्टिक की बात करें तो ये भी आपका .NET 8 में आपको बेटर मिलेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की बात करें तो 7 से 8 की ज़्यादा अच्छी है। माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की बात करें तो हमारा क्या था, .NET 7 शॉर्ट टर्म था बेसिकली, और ये हमारा .NET 8 क्या होगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैपेबिलिटीज भी इसकी अच्छी है बेसिकली, और इंटीग्रेशन बहुत इजीली इसका हो जाता है। तो इन एक एक पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डीपली देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट था क्या, परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट। तो परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हमारा द परफॉर्मेंस इज द प्राइमरी एस्पेक्ट डेट एवरी डेवलपर कंपेयर बिफोर सेलेक्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके लिए प्राइमरी एस्पेक्ट होता है कि हम कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपना सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इन टर्म ऑफ स्पीड एंड परफॉर्मेंस, अगर स्पीड एंड परफॉर्मेंस के टर्म्स में बात किया जाए तो .NET 8 क्या है, मोर ऑप्टिमाइज देन .NET 7। तो क्या है ये, .NET 8 ज़्यादा ऑप्टिमाइज है .NET 7 से। बोथ दिस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क यूज जीट, दोनों वर्जन क्या यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट जीट। जीट डेट मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर, बट इन .NET 8 इम्प्रूव टू प्रोसेस कोड फास्टर एंड लोअर द लोडिंग प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम। क्या करता है, हमारा प्रोसेस कोड को बेसिकली कंपाइलेशन का जो प्रोसेस होता है फास्ट होता है, लोडिंग समय बेसिकली क्या होता है, कम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट है बेसिकली इसका। इन एडिशनल अगर बात करें तो गार्बेज कलेक्टर एंड रन टाइम इन्वायरमेंट आर ऑल्सो मोर एडवांस इन .NET 8। .NET 8 में क्या है जी, रन टाइम बेसिकली अगर बात करें तो गार्बेज कलेक्टर ज़्यादा एडवांस है। एज ए रिजल्ट बिजनेस सेव द लॉट ऑफ रिसोर्सेज, क्या करता है, अगर रिजल्ट के बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या करेगा, हमको सेव द लॉट ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग द बेटर परफॉर्मेंस इवन ड्यूरिंग पीक आवर। बेसिकली पीक आवर में क्या होगा, परफॉर्मेंस इसका बेटर है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ऑब्जर्वेबिलिटी एंड डायग्नोस्टिक की बात करें, वंस द एप्लीकेशन रिलीज और बिकम लाइव इन लाइव द एंड यूजर, इट्स एसेंशियल टू मोनिटर द हेल्थ ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। इन .NET 7 यू हैव यूज थर्ड पार्टी टूल फॉर दिस पर्पज। .NET 7 में क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी यूज टूल यूज करते हैं इसके लिए, जबकि .NET 8 के साथ ये हमारी चीज़ें इनबिल्ड है। हाउएवर .NET कॉम्स विथ बिल्ड इन टूल्स टू सपोर्ट थर्ड पार्टी API ऑब्जर्व हेल्थ एंड पिन पॉइंट्स इशूज बेसिकली। इन एडिशनल अगर बात करें तो .NET 8 इज द C# फॉर रिलेटेड रिलोडेड। बेसिकली .NET 8 क्या है, C# फॉर रिलोडेड के साथ है। इनेबलिंग द मोडिफिकेशन ऑफ जेनरिक मेथड एंड टाइप, क्या करता है हमारा .NET 8 जेनरिक टाइप को क्या करता है, इनेबलिंग द मोडिफिकेशन ऑफ जेनरिक मेथड एंड टाइप व्हाइल द डेवलपर डिबग .NET एप्लीकेशन। ड्यू टू दिस .NET एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी इज नाउ ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स .NET 8 इनिशिएटेड ऑफ .NET 7। अगर अगले पॉइंट की बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटीज की, तो .NET 8 इज वे अहेड ऑफ .NET 7। .NET क्या है जी, इन टर्म ऑफ सपोर्टिंग डेवलपमेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी एप्लीकेशन, .NET 8 कंपेयर टू .NET 7 लीड बिल्डिंग एप्लीकेशन इन द फ्लोइंग हार्डवेयर
इस ट्रिक्स बेसिकली AVX 5.2 और वेक्टर 5.2 ऑप्टिमाइज ए सपोर्ट एंड ARM 64 वेब असेंबली विथ हेल्प ऑफ अपग्रेडेशन वी कैन टारगेट द यूजर अक्रॉस डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइस रनिंग ऑन विंडो लाइनक्स मैक्स ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली क्या है कि हम अपने अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की बात करें तो एवरी डॉट नेट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एज पर प्राइमरी पॉलिसी। LTS बेसिकली हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। STS क्या होता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है। एज द नेम सजेशन LTS एंड LTS और लॉन्ग सपोर्ट इज मोर बेनिफिशियल एज यू सिक्योरिटी फीचर एंड अनदर अपडेट्स इज़ रन एंड अप्रोक्स 3 ईयर। बेसिकली हमारा क्या होता है लॉन्ग LTS का जो सपोर्ट होता है हमारे .NET की तरफ से बेसिकली क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 3 ईयर का होता है। एज ए कंपेयर ऑफ STS का कितना होता है ओनली 1 ईयर होता है। बेसिकली .NET 8 वर्जन बेसिकली क्या है हमारा LTS सपोर्टेड है और डेट मिस करने का मतलब जी ये जो हमारा ये रिलीज कब हुआ था 14 नवंबर 2023 को अभी रिलीज हुआ था और कब तक इस माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट देगा 10 नवंबर 2026 तक देगा। जबकि अगर बात करें .NET 7 की तो 14 मई 2024 तक इसका सपोर्ट .NET हमको देगा। अगर वर्जन वाइज देखा जाए तो .NET 6 का जो सपोर्ट हमारा था .NET की तरफ से वो था हमारा बेसिकली 2024 तक नवंबर 24 तक था और हमारा ये क्या था LTS था। 6 क्या था LTS था। अगर वही 7 की बात करें तो STS था शॉर्ट टर्म था। बेसिकली इसका सपोर्ट हमारे पास कब तक है 14 मई 2024 तक है। अगर .NET 8 की बात करें तो इसका सपोर्ट हमारे पास 2026 तक रहेगा जब माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करेगा बेसिकली। और ये हमारा क्या LTS वर्जन था और ये हमारा इसका लेटेस्ट पैच जो था 8.0.0 है बेसिकली। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैपेबिलिटीज की बात करें तो C# इज अ प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। क्या है जो C# हमारा प्राइमरी लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क यूज करता है। इफ द पार्टनर एस्पेक्ट डेवलपमेंट कंपनी दे विल ऑल्सो यूज दिस लैंग्वेज टू डेवलप योर अप्लीकेशन वाइल .NET 8 माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो इज अपग्रेडेड C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .NET 8 क्या है और जितने भी नए फीचर आ रहे हैं जो C# के साथ उसके साथ अपग्रेडेड है। इट्स एड टू डेवलपमेंट एज टू राइट क्लीन कोड बेसिकली एंड हेल्पिंग टू मेंटेन स्ट्रक्चर एफिशिएंसली बॉग एंड अपडेट द एप्लीकेशन एज पर बिजनेस नीडेड। इन एडिशनल द बॉयलर पॉइंट प्लेट कोड रिक्वायर्ड टू ऑल्सो एलिमिनेट विथ .NET 8। फर्दर .NET 7 डज नॉट कंसीडर दिस फीचर बेनिफिट सो .NET 8 इज अगेन प्रूव दैट इज द बेटर। और अनदर पॉइंट इज इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो .NET 7 इंटीग्रेशन टेक्स मोर टाइम इन इज द कंपेयर ऑफ .NET 8। हाउएवर .NET 8 माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइड बिल्डिंग सपोर्ट मेजर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट API एंड सर्विसेज इन एडिशनल डिबगिंग फंक्शनैलिटीज लाइक एडवांस एंड helping to remove error and improve process execution with the minimal time basically. After the release of .NET 8, every development company is recommending .NET 8 to be client and built to support the third party tool is faster integration and upgraded C#, also making .NET 8 a better choice than .NET 7.